सोनभद्र में नगर पालिका प्रशासन द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए रिक्शा ट्रॉली के माध्यम से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बने फ्लाईओवर के नीचे डंपिंग यार्ड बनाया गया, जहां इस डंपिंग यार्ड से बड़ी गाड़ियां कूड़े को उठाकर दूसरे स्थान पर निस्तारित करती हैं। लेकिन इससे उठने वाली दुर्गंध और फैले कूड़े नगर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहे हैं, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि नगर पालिका के अधिकारियों की बातों में कितनी सच्चाई है। वहीं शासी अधिकारी का कहना है कि नगर पालिका बोर्ड द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत फ्लाईओवर के नीचे डंपिंग यार्ड बनाया गया, जहां से नगर का कूड़ा इकट्ठा होने के बाद जेसीबी से बड़ी गाड़ियों पर लोड करके कूड़े को निर्धारित स्थान पर फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही कूड़े से उठने वाली दुर्गंध को रोकने के लिए प्रतिदिन चूने का छिड़काव भी किया जाता है। बोर्ड द्वारा नगर पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराएंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बाद जो कूड़ा निकलता है उसके लिए हमने एक प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट बनाया, जो कि फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया। उसमें जो डोर टू डोर कूड़ा निकलता है वो ले जा करके वहाँ पर डंप करते हैं, फिर जेसीबी द्वारा उसको हमारी बड़ी गाड़ियों में करके हमारा जो कूड़ा निस्तारण स्थल है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। नहीं देखिए, ऐसा है कि डोर टू डोर एक आवश्यक कार्य था, अतः उक्त प्राइमरी कलेक्शन सेंटर खोला गया और नगर पालिका द्वारा नियमित रूप से वहाँ से कूड़ा उठा के अपने डंपिंग साइट तक पहुँचाया।